आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स आयंस हैविंग लीनियर शेप। तो पहला हमारे पास है Ag, Cn, 2 नेगेटिव, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ पे जो Ag की हमारे पास कन्फिग्रेशन होती है आउटमोस्ट होती है, Ag की हमारे पास जो आउटमोस्ट कन्फिग्रेशन है होती है 4d10 5s1, ठीक है। अब यहाँ पे Ag की ऑक्सीडेशन से निकलता है x, और साइनाइड पे -1 चार्ज और 2 है, तो -2 = -1, तो x अगर +1 में, तो जब Ag प्लस में जाएगा तो 4d10 हो जाएगा, और इसका 5s और 0 और 5p0, ठीक है। तो ये हो गया 4d10, ये देखिए ये 4d10 हो गया, और ये इसका 5s और ये 5p, ठीक है। अब हमें पता है जब ये साइनाइड अपने लोन पे डोनेट करेगा, एक एस में कर देगा और एक पी में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई SP, और SP जब हाइब्रिडाइजेशन होती है शेप होती है लीनियर, तो ये तो हमारे पास लीनियर शेप होगी इसकी। फिर है BHgCl2। HgCl2 में देखें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 होती है, 1 वैलेंसी। तो HgCl के 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो यहाँ से जो टोटल आएगा 2 आएगा, और टोटल 2 आएगा स्टेरिक नंबर का, तो हाइब्रिडाइजेशन SP, और हाइब्रिडाइजेशन SP, तो ये भी लीनियर शेप, तो ये भी लीनियर शेप होगी हमारे पास। फिर SnCl2, अब बात करते हैं SnCl2 की। SnCl2 में देखें तो SN के जो हमारे पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 होते हैं और क्लोरीन की वैलेंसी 1, ओके। तो यहाँ से स्टेनस SnCl के कितने 2 बॉन्ड पेयर आए और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो एक लोन पेयर, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 3, और 3 स्टेरिक नंबर का हाइब्रिडाइजेशन SP2, और ये ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर इसका, ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लानर होता है इसकी ज्योमेट्री, और स्ट्रक्चर इसका हमारे पास होता है जो वो होता है बेंट, क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो बेंट शेप होती है, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा, तो ये तो नहीं है। फिर NO2 पॉजिटिव, अब NO2 पॉजिटिव की बात करें, NO2 पॉजिटिव में देखें तो नाइट्रोजन के पास हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर हो गए एक, ये देखिए यहाँ पे एक, तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, तो यहाँ पे हमारे पास NO के साथ ऐसे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है हमारे पास वो कभी भी जो पाई बॉन्ड होता है वो बॉन्ड पेयर में काउंट नहीं होता, और यहाँ पे देखें तो 0 लोन पेयर, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो 2 बॉन्ड पेयर आ गए और 0 लोन पेयर, जब इसकी टोटल करेंगे तो 2 आएगा स्टेरिक नंबर, और 2 स्टेरिक नंबर SP, और SP हाइब्रिडाइजेशन और शेप लीनियर, तो ये भी हमारे पास लीनियर शेप का होगा, ये भी करेक्ट है। फिर है ClO2 पॉजिटिव, ClO2 पॉजिटिव, तो क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज है तो 6, और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने देख ली 2 है, तो Cl डबल बॉन्ड ओके, ऐसे 2 बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो एक लोन पेयर, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन SP2, और जो इसका ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्राइगोनल प्लानर, ये तो ज्योमेट्री होगी, और इसका स्ट्रक्चर जो होगा, क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, वो होगा बेंट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास लीनियर शेप नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है AuCl2 नेगेटिव, अब है AuCl2 नेगेटिव, अब AuCl2 नेगेटिव की बात करें तो इसमें Au होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, ऑटोमोस्ट 5d10 4s1, ठीक है, Au की हमारे पास ये कन्फिगरेशन होती है, 5d10 6s1, ठीक है। अब देखिए जब Au की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है x, क्लोरीन पे -1 चार्ज और -2 हो जाएगा टोटल, कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज है तो जाएगा +1, Au +1 में हो जाएगा, जब Au+1 में जाएगा तो 5d10, ठीक है, 5d10 होएगा, तो ये ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास आ गया 5d10, इसका 6s और 6p वैकेंट है, तो वो 6s और 6p वैकेंट है, तो जो क्लोरीन है वो अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा, तो फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो s और p में एक एक पेयर डोनेट कर देगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी SP, और ये भी हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होगा, तो ये भी हमारे पास लीनियर होगा। फिर HG2Cl2, अब HG2Cl2 की बात करें तो इसमें देखें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं HG में,
एक यहाँ और एक यहाँ पे, और क्लोरीन के पास एक वैलेंसी होती है, मैं वैलेंसी शो कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ ऐसे ही, एच जी एक्स एक्स मतलब ये हमारे पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास भी एक वैलेंसी, तो ये ऐसे बैंड जाता है एक एच जी क्लोरीन के साथ, यहाँ एक एच जी क्लोरीन के साथ और एक एच डी का बॉन्ड। तो एच जी को देखे तो यहाँ दो बॉन्ड पेयर है, एक दो, हर एच के दो बॉन्ड पेयर हैं, तो दो स्टेरिक नंबर और एस पी हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी लीनियर शेप, और यहाँ भी ऐसे ही दो बॉन्ड पेयर हैं, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर शेप, तो ये भी हमारे पास लीनियर होगा, ये भी हमारे पास लीनियर है। तो टोटल लीनियर स्पीसी कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लीनियर स्पीसीज होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।